राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, हम लोग मोहब्बत की दुकान के लिए मर रहे हैं, भाजपा ही हैं खुद। माननीय स्मृति ईरानी जी इस समय जो है, जो हमारी सांसद हैं, वो जन जन की पीड़ाओं को जानती हैं, किस तरीके से मतलब पीड़ा होती है, सबसे संवाद करती हैं। मतलब स्मृति ईरानी बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से काम कर रही है। कोई भी जाता है खाली हाथ लौट के नहीं आता। स्मृति ईरानी बहुत बढ़िया काम कर रही। सर जी, स्मृति ईरानी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बता दें, जब 400 रुपए में सिलेंडर था तो कौन लेकर घूम रहा था? सिलेंडर महंगा हो गया, ये बता दें, कौन लेकर? कोई घूम रहा था नहीं। और उसके बाद 1000 में सिलेंडर हुआ, कौन बोल रहा है सिलेंडर महंगा है? स्मृति ईरानी जी लेकर घूम रही थी, बता दें। खंडन करता हूँ, क्या इनकी कांग्रेस सरकार आ जाएगी 400 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा? दे रही थी भैया, दे रही थी, जब दे रही थी तब सिलेंडर लेके घूम रही थी, 1000 में क्यों नहीं लेके घूम रही, बता दे। आवश्यकता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हैं? लेकिन माननीय स्मृति ईरानी जी में जो काबिलियत है, जिस तरीके से उन्होंने जो है अमेठी को संजोया है, एक काबिलियत बता दे माननीय स्मृति ईरानी जी का, एक काबिलियत बता दे। 360 रुपए सिलेंडर था, 200 रुपए कमा ले सिलेंडर खरीद पाएंगे, बताइए खरीद क्या हो गया? महंगा तो सब कुछ हो गया है, तो कह रहे कोई बात नहीं, महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है। जब जो जो चीज आपको क्या लगता है इस बार माहौल क्या रहेगा? मेठी और टाटा बाय बाय हो रहा है आपकी, इसका ये स्मृति ईरानी का बाय होगा। भाजपा में थे, भाजपा ही थे आप, हट गए भाजपा से, हट गए सब लोग, तो भाजपा राजनीति नहीं करते, यहाँ करप्शन खत्म कर रहे थे, करप्शन और बढ़ा दिए लोग अमेठी में, करप्शन बढ़ गया। माननीय मंत्री जी आई है, हमारी स्मृति ईरानी जी जो है, हम लोग बहुत खुशहाल हैं, इसी कोई बात खुशहाल है। बवासीर भैया हमारे बारे हम ठीक करवा ले, अब इनके बबंदर हो वाला सबके 2024 में है, जौन बीमारी हो गया है कि अब छूटे ना। अरे इंसानियत की बात करो यार, भाईचारा, अमेठी में मोहब्बत है, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, वो बात करो। जो आज भाईचारा दुकान खुली हुई है वो बात कर रहे हो, चाची खरी वो देखो किराए के ठट्टू भेज के नहीं किसी को विरोध कराओगे, तो अपने घर में आए थे, तुम तो उठाई गिर, तुम कहीं से आई हो झूठ की पुलंदा खोल के? इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी आई, जितना हुए वोट राहुल गांधी जितना जीते के पाई है उतने हुए उठवाए पाई है कुल, स्मृति ईरानी। हाँ चेल, बताइए आप, बताओ भाई। इसका नतीजा विधायकी से देखा गया था कि जो नए युवा लड़के हैं, युवा लड़कों की जो पेपर लीक हुआ है उनके प्रति इन्होंने आकर एक भी दो शब्द बोला। हम युवा बच्चे ये जानना चाहते हैं, अमेठी के जितने भी बच्चे हैं वो ये चाहते हैं, चाहे जो भी हो। आप क्या चाहते हो? आप भैया, आप क्या चाहते? आप बताओ, आप धर्म की राजनीति नहीं करता है क्यों? मस्जिद आप बताओ, आप बताओ क्या चाह रहे हो? कांग्रेस जीते यहाँ से, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी 2 लाख से आ रही है पक्का, 2 लाख से आ रही है, 1.5-2 लाख से आपकी। हाँ कह रही की हम जीत रहे हैं चुनाव। अरे उनका कहा दिया भाग गए हैं, ये चुनाव हो जाए तो बताओ, आप बताओ क्या लग रहा है इस बार अमेठी में? यार जिसका अच्छा काम होगा वो जीतेगा, चाहे जो, एकदम 100%, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो। स्मृति ईरानी का काम कैसा लगा? भैया हम यहाँ नहीं, हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है, जो जो अच्छा करेगा अमेठी के हैं ही नहीं, बताओ नहीं बताओगे? जो अच्छा काम कर रहा है वही जीतेगा, जीतेगा फिर, जैसे स्मृति ईरानी किए हैं, जैसे जीती हैं फिर जीतेंगे, स्मृति ईरानी फिर जीते, किसी को बोले नहीं दिए जा रहा है, ये लोग लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं। कि मतलब कौन लग रहा है इधर, कौन जीत रहा है अमेठी में? राहुल गांधी पक्का पक्का। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी 1000% जीत रहे हैं, 1000% चिंटू आई का है, राम और रहीम के बात करता है, राम रहीम दिल में है, दिल में है। सामने तो और ही तो होंगे, नहीं चेहरा नहीं आएगा आपको, आप बताओ क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी जीतेंगे, हाँ क्लियर है, रोड से जीतेंगे, बंपर रोड से जीतेंगे राहुल गांधी। भाई साहब आप? राहुल गांधी, आप? राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, हम लोग मोहब्बत की दुकान के लिए मर रहे हैं, भाजपा ही हैं खुद, मगर मोहब्बत की दुकान तुम चलने नहीं दे रहे हो, तुम एक चाटी भाई हैं आप, हाँ भाई हैं, छोड़ दिए अभी, छोड़ दिया, छोड़ दिए, अभी छोड़ा जल्दी, छोड़ दिए, छोड़ा, अरे जल्दी छोड़ा हूँ मैं, यही अगली बार खिचड़ी मंगा रहे हैं, खिचड़ी खाए, जब हमें झूठा बना दी, हम यहाँ से लोखन वाला, जब ये
होमवर्क काम कर रही है। भाजपा छोड़ा क्यों आपने? भाजपा झूठ की राजनीति नहीं करते, छोड़ दिया आपने। करप्शन बहुत बढ़ गया। सच की राजनीति कौन कर रहा देश में? आदमी कर ही रहे हैं। कौन कर रहा है? इतना राहुल गांधी कर रहे हैं। गांधी परिवार नहीं होता तो यहीं पर इतना था, इतना इतना मिट्टी थी। अरे यार, बड़े बचपन में यहाँ इतनी इतनी मिट्टी थी, यहाँ मिट्टी थी। आज ये जो बाईपास बना है, सुनो सुनो, गांधी परिवार ने बनाया, सुनो। हाँ, ये जो बाईपास बना है, सुनो यार, से जितने सेठ है आत्मा से पूछे, ये अमेठी का बाईपास गांधी परिवार का दिया हुआ है। यहाँ के लोग कहते थे मैं समाधि ले लूंगा, तो वो परिवार के समझ के उन्होंने कह दिया छोड़ो, बाद में बन जाएगा। अभी आपने भाजपा छोड़ दिया, आपको लगता है कि झूठ की राजनीति भाजपा करती है? झूठ की राजनीति भाजपा की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। युवाओं के, हमारे बच्चों के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम को हो, चाहे सिख के हो, जो बच्चे ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं वो पेपर देने जाते, वो लीक हो जाता है। अरे वीक सरकार है, झूठी सरकार है, तब लीक होता है। अरे अपने आप में गाइड नहीं है, पेपर लीक का मैटर उठा रहे, पेपर लीक हो जा रहा, मैं यूं परेशान। सरकार में तुरंत कार्रवाई हो रही है, रुको एक मिनट, 18,000 पेपर लीक हो रहा है, बताइए पेपर लीक, पेपर लीक। आप बोलिए, इस सरकार में तुरंत कार्रवाई हो रही है। अब भलंदर होता है सबके, इसीलिए हम भागी है कांग्रेस में अपने, जहाँ पुराने रास्ते पे आ गए। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। भाईचारा रहेगा, हम सब एक रहेंगे तब हम विकास कर पाएंगे। हम आपस में लड़ेंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। ये विकास करने नहीं, ये ड्रामा करके गुजरात के जितने उद्योगपति हैं उनको मजबूत कर रहे हैं। इनको तो पता है जब नहीं पाएंगे थैला लेके चले जाएंगे।